बुलंदशहर से बड़ी खबर, आपसी रंजिश के चलते दुकान बंद करके घर लौट रहे दो भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। गोली मारकर लोहे की रॉड से भी किया जानलेवा हमला, तो एक महीना पहले हुआ था। पीड़ित भाइयों का हमलावरों से झगड़ा और जेल से छूटने के बाद आरोपियों ने बरसाई गोलियां। एक दर्जन से अधिक बताए जा रहे हैं हमलावर। दोनों पीड़ित भाइयों की हालत नाजुक है, फायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस मौके पर है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष रोड स्थित सैनिक धर्मशाला के पास की ये घटना है, जहां गोली मारकर लोहे की रॉड से भी किया जानलेवा हमला। तो आपसी रंजिश के चलते दुकान बंद करके घर लौट रहे थे दोनों भाई, जब ये ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसमें गोली लगने से दोनों भाई घायल हो गए हैं। एक महीना पहले हुआ था पीड़ित भाइयों का हमलावरों से झगड़ा और जेल से छूटने के बाद आरोपियों ने बरसाई गोलियां। तो एक दर्जन से अधिक बताए जा रहे हैं हमलावर। दोनों पीड़ित भाइयों की हालत नाजुक है, हायर सेंटर रेफर किया गया है और पुलिस मौके पर है। तो खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष रोड स्थित सैनी धर्मशाला के पास का ये पूरा मामला है, जहां आपसी रंजिश के चलते दुकान बंद करके घर लौट रहे दो भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग का ये पूरा मामला है और दोनों पीड़ित भाइयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हायर सेंटर रेफर किया गया है और पुलिस मौके पर तैनात है।